मतलब ये एक आंख से काना है और दूसरी आंख इसकी ठीक है। अभी अभी हमारे सेटअप पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का मेहमान आया, ऐसे इतना प्यारा है कि देख के ना दिल खुश हो। मैंने उसको यहाँ पे अंदर बंद किया है, अभी मैं आपको अभी नहीं सुबह के टाइम में आपको दिखाऊंगा, उस टाइम आपको ठीक से नजर भी आएगा। वो लाइक इसके लिए है, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। अभी उसको मैंने यहाँ पे बंद किया है, वो पीछे कोने में बैठा हुआ है। अभी अंधेरा है इसलिए आपको नजर नहीं आएगा, सुबह तक वेट करें। अभी सुबह हो जैसे ही मैं आऊंगा सबसे पहले छत पे, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है क्या चीज, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। बच्चों वाली जो व्हाइट मुर्गी है ना वो यहाँ पर है। मैं आपको ना थोड़ा सा नाइट का व्यू दिखाता हूँ कि रात के टाइम ये क्या हो रहा होता है यहाँ पे, ये देखें जरा। कुछ बच्चे इसके नीचे घुसे हुए हैं, कुछ यहाँ पर हैं, एंजॉय कर रहे हैं भाई। चलो इसको बंद करते हैं। अयान अभी तुमने भी नहीं देखना, सुबह दिखाऊंगा, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो बंद करो इसको, इसको भी बंद करना। चलो 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 जल्दी बंद करो यार, बिल्ली किसी टाइम भी आ सकती है। बजिस की फीमेल बाहर बैठी हुई है, मेल यहाँ पर और फीमेल यहाँ पर। फीमेल यार बच्चे को इंक्यूबेट नहीं कर रही। मन भाई बेबी कहाँ पर है, वो तो दिखाओ। वो यार अंदर है ना, अभी नहीं दिखाता, सुबह दिखाऊंगा। अभी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। अभी जाके ऊपर वाले परिंदों की भी अपडेट देखते हैं कि रात के टाइम ये क्या कर रहे होते हैं। अयान रैबिट बाहर कैसे निकल गया यार, इसको वो देखो जरा, दोनों रैबिट बाहर घूम रहे हैं। शुक्र करो बिल्ली नहीं आई। अयान को आज मैंने बोला था कि सारे परिंदों को तुमने बंद करना, और ये देखे रैबिट बाहर घूम रहे हैं। अयान अब देखो मैंने किया था, तुम इसे मार खाओगे। किधर बंद किया था, यहाँ पर? फिर ये बाहर कैसे आए? ये ना नीचे घुस गए थे ना, फिर मैं कहाँ से नीचे घुस गए थे, तो मैं बोला भी था ठीक से बंद करना यार। आज घुस गए थे, उसके बाद मैंने दरवाजा बंद। चलो अभी इनको निकालो यहाँ से, निकाल के बंद करना है यार। मोड़ा बना हुआ है ना, यहाँ से ही अंदर गया है। ओह अच्छा, यहाँ से बंद करके गया था इनको। तब भी ना यार, इधर कितना बड़ा सुराख है यार, इधर से तो बिल्ली भी घुस सकती है। ये बड़ा खतरनाक काम हो गया, इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्ली भी यहाँ पे घुस के हमें नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी सी बैड न्यूज आ गई, ये हमारा हाई फ्लायर कबूतर मर गया है। तो यार अभी जल्दी से हम रैबिट्स को बंद करते हैं और मैं आप लोगों से मिलता हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी दिन का टाइम है और हम लोग जुम्मे की नमाज पढ़ के आ चुके हैं। अभी भी मिट्टू की फेवरेट चीज लेके आया हूँ, मिट्टू को खिलाते हैं। बहुत गंदा, ये मेरी उंगली पे काटा है, उस दिन भी काटा था और आज फिर मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी उंगली के ऊपर काटी जा रहा है। ये देखे जरा खून निकाल दिया यार, इसने इतना डेंजरस हो गया ये, और उसकी चोंच पे देखे खून लगा हुआ है, जो मुझे काटा है ना वो। ये देखे सेब के ऊपर भी खून लगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इसका हम क्या करें। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसको हम किसी को दे दें या फिर इसको रखा जाए, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाने लग गया। Few moments later. नहीं जी, अयान भी आ गया। क्या चीज लेके आए हो? ये बहुत अच्छी चीज है। क्या चीज है, क्या है? चिक्स की डाइट आ गई। चलो जी डालते हैं चिक्स को, हमारे चिक्स की सबसे फेवरेट डाइट आ चुकी है। ऊपर क्यों जा रहे हो? हाँ यार कबूतरों को दाना डालने, रुको जी पहले चिक्स को डाल दो, उसके बाद ऊपर जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनको वाटरमेलन डाला था, वो सामने प्लास्टिक का बर्तन रखा हुआ है। देखना अभी चिक्स कैसे भाग के आएंगे। तो यार चिक्स को मैंने डाइट दे दी है, चलो खाओ। कुछ चिक्स हमारे अंदर है यहाँ पर, इनको भी अभी बाहर निकालते हैं। पहले हम कबूतरों को डाइट दे आते हैं, उसके बाद कुछ जरूरी काम है जो कि हम करते हैं। यहाँ से बच्चे के बोलने की कोई आवाज़? हाँ यार यहाँ से ना, अरे बजीस का जो बच्चा है ना वो बोल रहा है, तो हम जल्दी से चेक करते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। माशाल्लाह, तो मैंने चेक किया, दो दो बच्चे निकले, एक छोटा सा बच्चा और एक व्हाइट कलर में बच्चा बड़ा भी हो गया हमारा। हाँ तो मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी ना वो छोटे हैं, वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो बाद में हम उनको ना बाहर निकाल के चेक करेंगे। दोस्तों अभी हम ऊपर चलते हैं और आप लोगों को मैं ना कुछ चीजें दिखाता हूँ आज हमने क्या जरूरी काम करना है। सबसे पहले तो मैं कबूतरों को डाइट दे देता हूँ, बल्कि कबूतरों को डाइट मिल चुकी है, सारे कबूतर यहाँ पर घूम रहे हैं और लकी कबूतर हमारा वो सामने घूम रहा है। अयान लकी कबूतर को भी इनके साथ ला के छोड़ो यार, वो बेचारा अकेला घूम रहा है, वो सामने वो अकेले घूमते रहते हो यार तुम। ओए ये तो मेरे हाथ पे बैठ गया, चलो उतरो यार, ये देखे नीचे छलांग ही नहीं लगा रहा। बाकी सारे कबूतर उड़ सकते हैं लेकिन ये हमारा लकी कबूतर नहीं उड़ पाता, क्योंकि मैंने इसके पर जो है वो निकाल दिए थे ताकि ये कहीं उड़ के चला ना जाए। अभी जब ये हमारे घर का आदि हो जाएगा उस टाइम तक इसके पर भी आ जाएंगे और ये फिर इंशाल्लाह इनकी तरह उड़ना शुरू कर देगा। इस कबूतर को क्या हुआ, एक मिनट, ये सबसे अकेला घूम रहा है और ये देखें यहाँ पे आके घुस गया। यार ऊपर जाओ, पता नहीं बहुत कमजोर लग रहा है मुझे ये। शराजी कबूतरों का बच्चा चेक कर रहे हैं आज ना, हमने शराजी कबूतरों का बेबी भी देख रहे हैं। अयान जल्दी करो निकालो, जरा चेक करते हैं आज के बेबी की क्या प्रोग्रेस है, वो कितना खूब है, मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा हो गया होगा।
ये देखें माशाल्लाह है, नहीं ये नहीं काटता यार पेरेट की तरह, इससे ना डरो, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, कुछ ही दिनों में इन कबूतरों की तरह ये बाहर निकल जाएगा। लो वापस अंदर रख दो। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सूरज की तपिश बहुत ज्यादा तेज होगी, इसी वजह से बार बार छत्ते भी नहीं आने होता। तो अभी हमने क्या काम करना है, हमारी इस मुर्गी के साथ छोटे छोटे 6 चूजे हैं, मुर्गी के साथ जितने भी चूजे हैं ना वो सारे के सारे गोल्डन मिश्री और देसी चूजे हैं, इसकी अपनी नस्ल का एक भी चूजा नहीं है। आज हमने क्या करना है, आज हम इसके लिए लेके आए हैं मुर्गा और वो भी फुल व्हाइट कलर में। तो आज हम इस मुर्गी के साथ छोड़ने वाले हैं और इनका पेयर बनाने वाले हैं। तो इन चूजों को जो है हम आज अलग कर देंगे, अलग से हम इनको संभालेंगे। इस मुर्गी को हमने जल्द से जल्द इस मुर्गी के साथ पेयर लगवा के उनके बच्चे निकलवाने हैं, क्योंकि वो मुर्गा में लेके आया हूँ किसी दोस्त से कुछ दिनों के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम चूजों को अलग करते हैं, उसके बाद हम मुर्गे को ला के मुर्गी के साथ छोड़ते हैं। आया चूजों को पकड़ो, जल्दी करो, चूजों को पकड़ के कहाँ पे बंद करना है यार, इधर बंद कर देते हैं ये वाली जगह, ठीक है, जहाँ पर हमारे कलरफुल चिक्स भी रहा करते थे, तो ये बेस्ट जगह है। चलो शाबाश, दो मुझे, तो मुझे दो, चलो दो चूजे आ गए, चलो रैबिट यहाँ से निकल जाओ, शाबाश हम लोग निकलो यहाँ से, चलो निकलो जल्दी, दो शाबाश, और चूजा भी आ गया, आ जाओ। चलो अयान रैबिट्स को बाहर निकालो, चलें रैबिट्स बाहर निकल चुके हैं, अभी एक चूजा भी बाहर निकल गया, वो सामने उसको पकड़ो और जल्दी से हम अपना वाइट मुर्गा लेके आते हैं और हम उसको मुर्गी के साथ छोड़ते हैं। आज भाई एक ही अंडा आया है, चलो यान उसको लेके जाओ। तो मुर्गा हमारा जो है वो नीचे है। 1 minute 37 seconds later यार सारे कबूतर ना अभी बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनको टुकड़े मैंने डाले और ये टुकड़े बहुत ही खुशी दिखाते हैं। यहाँ पर एक कबूतर बैठा हुआ है, हमारा ब्राउनी पिजन जो यहाँ पर हुआ करता था अभी यहाँ पर आ गया, और मुझे लग रहा है कि इनके अंडे भी आ गए होंगे। ये देखें माशाल्लाह, इन्होंने 2 अंडे फिर से दे दिए और इनके जो पिछले बच्चे थे ना वो भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखें इन्होंने नेस्टिंग कितनी अच्छी की है, दबा ओ भाई गुड। पहला ब्राउनी कबूतर का बच्चा है और दूसरा बच्चा कहाँ पर है यार, पता नहीं, अब दूसरे बच्चे शायद बाहर निकल गए होंगे। यहाँ पर एक और बच्चा, ये वाला बेबी इस घर में था और अभी ये बाहर आ गया है यहाँ पर, और इसको जो है ना इसकी मेल और फीमेल यहीं पर डाइट कराते हैं, माशाल्लाह काफी बड़ा होता जा रहा है। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना न्यू मेहमान जो कि हम कल लेके आए थे। अयान पकड़ो इसको, ओए इस बच्चे की टांगे देखे कितनी लंबी लंबी है। ये है हमारा न्यू मुर्गा और इसकी एक आंख जो है ना वो नहीं है, मतलब ये एक आंख से काना है और दूसरी आंख इसकी ठीक है। तो अभी हम इसको व्हाइट मुर्गी के साथ छोड़ेंगे और इंशाल्लाह वो अंडे देगी, तो फिर उसके जो बच्चे होंगे ना वो फुल व्हाइट कलर में आएंगे। इस आग वाला मुर्गा भी ऊपर ही है, उसको हम नीचे लेके आएंगे और इस मुर्गी को हम मुर्गी के साथ छोड़ेंगे, वरना दोनों की फाइट भी हो सकती है, बहुत ही खतरनाक काम है। चलो यार ऊपर लेके जाए, चलो यहाँ पे छोड़ना है, जल्दी करो इधर लेके आओ, चलो दूसरा मुर्गा किसी टाइम भी आ सकता है वो टैंकी के नीचे और वो अटैक कर सकता है, यहाँ पे छोड़ दो। इतना खूबसूरत किस्म का पेयर हमारे पास बन चुका है, अभी जल्दी से ना ये मुर्गी अंडे देने लग जाए बस। मम्मी माशाल्लाह बहुत प्यारे है, बहुत खूबसूरत लग रहे। यार कमाल हो गया। आप लोगों को दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ये देखें दोनों का कलर भी सेम टू सेम है और कलर भी मैच कर रहा है माशाल्लाह। देखो बंद कर दो, मुर्गा किसी टाइम भी हमला कर सकता है, मुर्गा वो नीचे टैंकी के नीचे है मुर्गियों के साथ ही, अगर ये लोग आपस में लड़ गए ना तो भाई तबाही मच जाएगी, एक दूसरे को जान से मार देंगे। चलो चलो इसको पकड़ लो, अभी हम इसको नीचे वाले घर में लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमने व्हाइट मुर्गा फिलहाल रखा हुआ था। इसहाक आएगा आज तो हम ये मुर्गा उसको वापस कर देंगे क्योंकि ये मुर्गा उसका। चलो जल्दी इसको वहीं पे छोड़ो जहाँ पे व्हाइट मुर्गा था। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यार, पसीने निकल रहे हैं। खाओ खाओ मजे करो। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये मुर्गा दिखाना था, आई होप आप लोगों को ये मुर्गा बहुत अच्छा लगा होगा और ये पेयर भी बहुत खूबसूरत बन चुका है हमारे पास। आप लोगों को कैसा लगे आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।